गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 17th ऑफ दिसंबर संडे के दिन के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है यहाँ पर, 6 अक्यूज्ड अरेस्टेड इन पार्लियामेंट ब्रीच वांटेड टू स्प्रेड अनार्की। देखिए यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट है ये हो जाता है ऑब्वियसली GS पेपर 2 में एंड GS पेपर 3 में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, कि आंतरिक सुरक्षा जो भारत की होनी चाहिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है एक तरीके से 2023 के अंदर, 13 दिसंबर 2023 का ये दिन था जिस दिन 6 लोग एनार्की फैलाने के लिए पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और अपने जूतों के अंदर गैस को छुपा कर 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट से पार करके और फिर ये लोग जो विजिटर गैलरी थी वहाँ से कूद जाते हैं, नई पार्लियामेंट के अंदर नीचे कूद जाते हैं और उसके बाद उस गैस को रिलीज कर देते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी एनार्की की, कि एनार्की एक्चुअली में होता क्या है। देखिए एनार्की होता है जहां पर कोई भी शासन ना हो, यानी कि शासन को खत्म कर देना, गवर्नमेंट को खत्म कर देना, इसीलिए जो एनार्की फैलाते हैं ना उन लोगों को एनार्किस्ट बोला जाता है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश के अंदर कोई भी शासन करे। बेसिकली इनके कुछ पर्सनल जो भी मान लीजिए बेनिफिट्स होते हैं उन्हीं पर ये काम करते हैं और इन लोगों को गवर्नमेंट सिस्टम पसंद नहीं होता है। ये होता है एनार्की। अब ये जो लोग थे इसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, 6 जिसमें से 5 जो थे वो यहाँ पर मेल थे और 1 यहाँ पर फीमेल थी नीलम के नाम से। एंड 5 जो मेल थे उनमें से कुछ जो इंसान थे वो ऐसे थे जैसे कि यहाँ पर महेश कुनवक्त एक था, उसके अलावा और भी उनके जो साथी थे वो लोग बहुत सालों से, लाइक 2 सालों का टाइम पीरियड था जब से ये प्लानिंग कर रहे थे। बार बार कभी मैसूर में, कभी दिल्ली में, कभी गुड़गांव के अंदर ये लोग साथ में मिलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करते रहते थे कि कैसे ये हमें जो भी इसको इंतकाम देना है, जो भी इसके लेना है, इसको ट्रू फॉर्म में कैसे रिजल्ट लेके आना है, प्लानिंग को चेंज करके रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे करना। तो ये प्लानिंग हमेशा 2 साल से करते रहे। इसके बाद इन दोनों ने बहुत कोशिशें की हैं जो भी इनके एविडेंसेस थे उनको मिटाने की। तो ये हमेशा जब भी मिलते थे तो ये मिलने वाली जो भी इनके एविडेंसेस थे उनको मिटा दिया करते थे। इसके अलग इनके जो मोबाइल फोन्स हैं वो भी इन्होंने पार्लियामेंट में आने से पहले ही जला कर यूपी के अंदर फेंक दिए हैं। कोर्ट ने 15 दिन का यहां पर पुलिस कस्टडी बोल दी गई है कोर्ट की तरफ से, कि इनसे जो भी इनका रीजन था क्यों ये ऐसा करना चाहते थे वो पुलिस पता लगाए 15 दिन के अंदर। ये देखिए किस प्रकार से यहां पे फोटो भी दिखाया गया कि राजस्थान के अंदर 2 लोगों के जले हुए फोन के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुल्तान ऑफ ओमान इन इंडिया, यहाँ पर जो सुल्तान है ओमान यानी कि IR के अंदर ये थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, इतना ज़्यादा नहीं, बस जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ओमान के अंदर, ओमान इज़ अ कंट्री जहाँ पर अभी भी क्या होता है, मोनार्की चलती है। तो इसीलिए वहाँ के जो सुल्तान है हातिम बिन तारिक वो इंडिया में आए हुए, यहाँ पर आप सुल्तान को देख पाएंगे, इधर इधर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं एंड यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये लोग मिले हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर और इन्होंने जो बायोलेटरल कॉरपोरेशन है उसको बढ़ाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है दोनों कंट्रीज़ ने। तो बायोलेटरल क्या होता है IR के अंदर ये भी पता होना चाहिए, जब 2 देश, मल्टीलेटरल और बायोलेटरल 2 शब्द है, यूनिलेटरल भी हो सकता है। देखिए यूनिलेटरल होता है इकलौता, जब एक देश है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूनिलेटरल है जब वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं बताता। बायलेटरल आपका होता है जहाँ पर 2 देश या 2 इंसान आपस में मिलकर, 2 होने ज़रूरी है क्योंकि बाय का मतलब 2 होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 कंट्रीज, 2 पीपल जो भी एक साथ मिलकर कुछ कोऑपरेशन करते हैं उसको बोला जाता है बायलेटरल। थर्ड यहाँ पर शब्द आना चाहिए मल्टीलेटरल। ज़्यादातर अगर हम IR इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से इन शब्दों को देखें तो मल्टीलेटरल का एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि क्वाड का ग्रुप, जैसे कि G20 का ग्रुप, जैसे कि G7 का ग्रुप, या फिर जो COP28 लगातार चल रही है उसका ग्रुप। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे मिलके, जैसे क्वाड में 4 कंट्रीज है, G20 में 20 कंट्रीज है, G7 में 7 देश है और COP28 के अंदर 197 से ज़्यादा कंट्रीज मेंबर हैं।
तो इसी तरीके से ये होता है मल्टीलेटरल, जब बहुत सारी कंट्रीज अपने जो उनका कॉमन कोई चीज़ है कि हमारा टारगेट कॉमन है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से डील करना, ये जो जितनी भी 197 से ज़्यादा मेंबर कंट्रीज यहाँ पर है सभी का एक कॉमन गोल है, क्योंकि सभी को इससे नुकसान होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर एंड अभी भी होना उसके जो संकेत हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए सारी कंट्री एक साथ मिलकर ताकि उसको ज़्यादा पावरफुली डील किया जा सके एक साथ आती है, तो वो होता है मल्टीलेटरल। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आधार बेस्ड कंसर्न फॉर चिल्ड्रन टू गो ऑनलाइन। अगेन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 में भी साइंस एंड टेक के अंदर हम इसको ज़्यादा लेके चल सकते हैं। सेकंड यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटीज अगेन एस्पेक्ट फॉर दिस आर्टिकल। एंड चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है बहुत साल टाइम से। 4 महीने पहले ये मानसून सेशन के अंदर भी इसको लेके आया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पर DPDPA के ऊपर सवाल उठे कि नहीं इसमें कुछ और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और उन्हीं में से एक रिफॉर्म है आधार बेस्ड कंसर्ट, यानी जो भी बच्चे 18 साल से कम हैं उनके आधार का इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि वो जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उनसे पहले उनके पेरेंट्स का यहाँ पर कंसेंट मिलना चाहिए। उनके पेरेंट्स के कंसेंट के लिए यानी उनके वेरीफिकेशन इस हिसाब से होनी चाहिए, सो दैट जो इंटरनेट है जो चीज़ें उनको दिखाई नहीं देनी चाहिए एक पर्टिकुलर एज से पहले वो उनको दिखाई ना दे। तो ये एक यहाँ पर इसका एक्सपेक्ट यहाँ पर डाला जा रहा है और ये पास भी हो चुका है, अब ये एक्ट बन चुका है, पास कर दिया गया है इसको। और इसके अंदर बहुत सारे रूल है, 25 रूल्स इसमें और भी हैं जो अगस्त के अंदर नोटिफाई किए गए थे और अभी इन रूल्स को इनेक्ट कर दिया गया है जो भी फिट उनमें से लग रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर 25 में से मान लीजिए 20 ऐसे रूल्स हैं जो हमें लग रहा है कि होने चाहिए, तो उनको यहाँ पर इनेक्ट कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ए टेल ऑफ टू पार्लियामेंट अटैक्स, लिखा गया है नीरजा चौधरी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो बताती है कि किस प्रकार पार्लियामेंट में अभी तक 2 अटैक हो चुके हैं। पहला जो अटैक हुआ था वो हुआ था 13 दिसंबर 2001 के दिन, और ये एक ऐसा दिन था जो कि बहुत प्लैंड यहाँ पर अटैक किया गया था। एक गाड़ी को एक कार को यहाँ पर अंदर लेके आते हैं पार्लियामेंट के, और उस कार के अंदर होता है बहुत सारा बॉम्ब का जो आरडी जिसको बोलते हैं आरडीएक्स, तो वो बहुत सारा उसके अंदर था, सो दैट जो भी हमारे पार्लियामेंट के जो सबसे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनको यहाँ पर होस्टेज बना लिया जाए या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उस पूरी बिल्डिंग उड़ा दे, अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो आरडीएक्स जो पूरी गाड़ी भरी हुई थी उससे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर हमला किया जाएगा। ऐसे कुछ प्लानिंग करते हुए कुछ लोग वहां पर आते हैं, 4 लोग, और उस समय जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, या फिर हम बोल सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो वो जो थे वो जस्ट 1 मिनट पहले ही बाहर निकलने वाले थे एक गाड़ी से, और उनका नाम उस समय था कृष्णकांत, लेकिन जस्ट उनको कुछ एमपीज वापस बुला लेते हैं गाड़ी में बैठने से पहले उनका दरवाज़ा खोल दिया गया था, और फिर उनको जब वापस बुला लिया जाता है तो उनके चैम्बर में उनसे कुछ बात करनी थी तो वो वापस चले जाते हैं, और उसी एक समय के दौरान में वो जो हमलावर थे वो आते हैं और लगातार अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के पास फोन करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, सोनिया गांधी इधर से फोन करती है पूछती है सब कुछ ठीक है या नहीं है, और इसी मुठभेड़ के अंदर वो जो हमारे सिक्योरिटरी पर्सनल जो उधर थे वो लोग इतने सक्षम थे कि उन्होंने इनको पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग के अंदर जाने ही नहीं दिया। तो ये भी यहाँ पर एक बात बहुत ही
कह सकते हैं कि एक प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने अपनी जान पे खेलकर 8 हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, स्टाफ था, उनकी उस दिन शहादत यहाँ पर हुई अपने देश के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को बचाने में, जो इस देश को चला रहे हैं, जो यहाँ पर इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो सारे डिसीजंस मिलकर वो एक कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक मंदिर जो है पार्लियामेंट, उसको बचाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। तो उन लोगों को जब 13 दिसंबर 2023 के अंदर यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा था, उन लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया जा रहा था कि आज जो पार्लियामेंट सशक्त खड़ी हुई है उन्हीं लोगों की वजह से है, उसी दिन फिर से 6 लोग, जिसको हमने बात की ऊपर फर्स्ट पेज के आर्टिकल के ऊपर, वो लोग आते हैं और अटैक कर देते हैं। तो एक बहुत ही शर्मनाक ये बात है। पहले निर्जा जी बताते हैं कि कैसे जो पहले 2001 के अंदर ये घटना हुई थी, तो उस समय पर अपोजिशन और जो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट थे, वो सब एक साथ मिलके सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके ऊपर बातें करते हैं। और उसके बाद बहुत सारी सिक्योरिटी चेंजिंग लाए जाते हैं, जैसे CCTV का चेंज लाया जाता है, और आपकी जो कार्स होंगी उनके ऊपर RFID होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो जाती हैं वो MPs की जो गाड़ीज होंगी, उसके अलावा किसी और को एंट्री ना दी जाए। लेकिन स्टिल यहाँ पर 3 सिक्योरिटी चेक्स को बेवकूफ़ बनाकर इधर अंदर 6 लोग घुस जाते हैं और अपने जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी उसको अंजाम दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है सिक्योरिटी स्टाफ की तरफ से अब की बार। और अब की बार जो गवर्नमेंट का यहाँ पर डिसीजन था वो भी कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं दिया। हमें कल ही के आर्टिकल में पता चला कि कैसे 14 MPs को, जिन्होंने इस बात के ऊपर उठकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनको ब्रीच ऑफ द हाउस के हिसाब से, या सकते हैं कि उन्होंने जब डिलेमा था, जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, उसको मयान उसको वहां पर नहीं रखा, और इस वजह से इनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया, सस्पेंशन दे दिया गया कि इस पूरे सेशन के अंदर ये 14 MP वापस नहीं आएंगे। और 14 के 14 MP यहां पर हम बात करें तो ज्यादातर दोनों हाउस से अपोजिशन के ही मेंबर थे। तो ये निर्जा जी को काफी गलत बात लगी, उन्हें लगा कि पिछली बार की तरह शायद यहां पर बैठ कर मसले हल हो सकते थे, जिन जिनकी यहां पर कमी रही है उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ले लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि आर्टिकल लिखा गया है पी चिदंबरम द्वारा, ये बताते हैं टुवर्ड डिस्पोर्शन फ्यूचर। देखिए क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 में। यहाँ पर पी चिदंबरम जी बात कर रहे हैं, जो कि खुद एक राज्यसभा के मेंबर हैं, वो बता रहे हैं आर्टिकल 370 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है उसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोसीजर जिस हिसाब से किया गया है, लीगेलिटी जो थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया है धारा 370 को, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 370 के ऊपर क्या प्रॉब्लम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बात की गई। पहली पर जो बात थी वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बोला है कि आर्टिकल 368 जो कि हमारा होता है कि कैसे संविधान को अमेंड किया जा सकता है, यानी कि उसमें छेड़खानी बदलाव किए जा सकते हैं, उसको यहाँ पर संशोधन का जो समय होता है उसके दौरान गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर था वो गलत था, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 2 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 373 के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम को बदल कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रख दिया गया। लेकिन ये जो काम किया गया है इससे पहले कोई भी इधर जो वोटिंग होनी चाहिए स्टेट से पूछकर वो यहाँ पर नहीं की गई। सेकंड क्वेश्चन उठता है कि ये एक हमने गलत बात बता दी है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लमेटिक था। दूसरा सवाल था कि किसी को भी आप UT कैसे बना सकते हो विदाउट आर्टिकल 3 का ठीक से इस्तेमाल करें। आर्टिकल 3 क्या बताता है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस प्रकार से जब भी यूनियन किसी स्टेट को छोटा करना चाहेगी तब उस स्टेट में पहले प्रेजिडेंट
प्रेसिडेंट की परमिशन होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रेसिडेंट द्वारा उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उनके साथ बात भी होनी चाहिए, उनके साथ सलाह मशवरा भी होना चाहिए, और उसी के बाद यूनियन जो है वो विदाउट स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर आर्टिकल 3 के अंदर रहते हुए आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के साथ उसका नाम या यूटी उसको बना सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्टेट के मेंबर से कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया गया तो इसके ऊपर बात ही नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को एक तरीके से ओपन छोड़ दिया। इसका कारण खुद यहाँ पर चिदंबरम जी ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि ये बात बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड का ऑप्शन देने वाली हैं, इसी वजह से इस सवाल को अभी के लिए ओपन छोड़ दिया गया, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डेडलाइन लगाई गवर्नमेंट के ऊपर कि 24 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर इलेक्शन हो जाने चाहिए। हम सबको पता है कि 2018 से ही जम्मू कश्मीर प्रेजिडेंट के रूल के अंदर है, वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया यहां पर। और हालांकि ये पी चिदंबरम जी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात हुई कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दबाव डाला गया, एक डेडलाइन दी गई, लेकिन अगर ये डेडलाइन स्टेटहुड का स्टेटस वापस देने के लिए भी दी जाती तो शायद और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। अभी इनको चिदंबरम जी को कोई खास भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का कि वो आगे क्या जो उन्होंने वर्ड्स बोले हैं उनको कर पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है महुआ मित्रा से, ये काफ़ी मिलता जुलता आर्टिकल है, ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 में काम आएगा मेंस के अंदर। एंड चलिए देखते हैं, लॉन्ग बिफोर महुआ देर वॉज एचजी मुदगल, लिखा गया है यहाँ पर चश्कू रॉय के द्वारा। देखिए यहाँ पर 1951 की बात हो रही है कि किस प्रकार जो सबसे पहला एमपी था जिसको यहाँ पर कैश फॉर क्योरी के लिए निकाला जा रहा था, जिसके पर बातें की गई थी, उनका नाम था एचजी मुडगल। एचजी मुडगल एक ऐसे इंसान थे जो अमेरिका के, पहले उनका जन्म कोलकाता में होता है, उसके बाद इनको अमेरिका ये पढ़ने जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं न्यूयॉर्क से अपनी और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 17 साल के बाद ये लौट कर इंडिया में वापस आते हैं, और इंडिया आने के बाद ये न्यूज़पेपर और कॉलम लिखना शुरू कर देते हैं। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के अंदर बायोग्राफीज होती है उनके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि ये निग्रो वर्ल्ड के अंदर इन्होंने बहुत काम किया, और इंडिया के अंदर इन्होंने वीकली कॉलम न्यूज़पेपर को चालू किया जिसका नाम होता था इंडियन मार्केट। यानी कि इंडियन मार्केट जो न्यूज़पेपर था वो होता था काफ़ी इकोनॉमिस्ट के लिए, राइट, ये इकोनॉमी की अच्छी खासी ज्ञाता ये थे, और B.R. अम्बेडकर के साथ साथ और जो कुछ हमारे जैसे कि G.V. मालवेंकर MP उस समय पे हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुडगल जो थे वो एक मेंबर बने थे पार्लियामेंट के, जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिंग हुआ था बॉम्बे की तरफ से, ये वहाँ के मेंबर बने थे। इनके ऊपर कुछ समय के बाद नेहरू जो उस समय पर प्रधानमंत्री थे उनके पास 1951 जून में एक इंफॉर्मेशन पहुँचती है कि इन्होंने किसी एक कंपनी के लिए उनसे 20,000 रुपये की मांग की, एक बोर्ड के अंदर ये बात बताई गई, और इन 20,000 रुपये में से इनको 10,000 रुपये दिए गए, और उसके बाद उनसे रिलेटेड इन्होंने सवाल पार्लियामेंट के अंदर पूछे जिससे उनको फ़ायदा होगा। नेहरू को ये बात पता लगने के बाद उन्होंने एक कमेटी बिठाई जो कि इथिकल कंडक्ट की थी, उस कमेटी के दौरान ये बात पता चला कि हाँ इन्होंने एक लेटर लिखा है और उसके अंदर इन्होंने ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट की है कि आप हमें 7,000 दीजिए, उसके बाद तो आप लोग 25,000 रुपये एक दिन से कमाएंगे। देखिए बात चल रही है 1951 की, उस समय पे आज शायद 10,000 रुपये की वैल्यू वो ना हो, लेकिन उस समय पे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। और इन्हीं में इन्होंने ये भी बात पता चली कि किस प्रकार ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी एक मीटिंग करवा रहे थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के साथ, तो इन्होंने अपना ये भी एक पता चलने के बाद वहाँ के जो स्पीकर थे हाउस जो था उन्होंने इनको पास किया कि इनको निकाल देना चाहिए कमेटी की रिपोर्ट के बाद। हालांकि निकालने से पहले ही इन्होंने रिजिग्नेशन लेटर उस समय पर जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं उनको दे दिया, और इसीलिए इनका
पोल्यूशन तो नहीं माना जाएगा जिस प्रकार से महुआ मित्रा को यहाँ पर निकाला गया। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये महुआ मित्रा वाला जो केस हुआ है, मोइत्रा वाला, उस समय पर भी यहाँ पर कमेटी के कुछ एक एमपी द्वारा इनको याद किया गया, इनको वापस से एक तरीके से बताया जाए तो बताया गया कि किस प्रकार ये दोनों केस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कमेटी की रिपोर्ट में जब इनका नाम एक बार लिया जाता है तो हमें भी ये बात पता होनी चाहिए कि किस प्रकार जो हमारे पहले एमपी थे और ये जो करप्शन ये हम जो देख सकते हैं पुराने वाला, ये पहले से ही इस प्रकार हो रहा था। नेक्स्ट हम चलते हैं एपी गुजरात अमंग अचीवर्स इन लॉजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए इकोनॉमी के पेज से है और ऑब्वियस सी बात है कि जीएस पेपर 3 के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में लिख सकते हैं, इथिक्स में भी लिख सकते हैं। क्या बात की जा रही है? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का जो नाम है वो है लॉजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि एक इंडेक्स है, क्रमशः है जिसको बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। और इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स की यहाँ पर लॉजिस्लेटिक्स को देखा गया है। जैसे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर तीन कैटेगरी रखी गई है। जो पहली कैटेगरी यहाँ पर है वो है आपकी, जैसे कि इसमें बताया गया कि गुजरात एक अचीवर है, यानी जो जो उसको अचीव कर लेना चाहिए था वो वहाँ पर अचीव किया गया है। दूसरी कैटेगरी इस इंडेक्स के अंदर लिखी गई है वो है फास्ट मूवर, कि बहुत तेज़ी से ये जो स्टेट्स हैं ये बढ़ रही हैं आगे की तरफ अपने आप को अच्छे से बनाने में। एंड द थर्ड कैटेगरी जो यहाँ पर है वो रखी गई है, हम बोलेंगे एस्पीरियर की, कि जो एस्पायर कर रहे हैं फास्ट मूव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये जो डाटा लिया गया है ये पूरे एक साल का है, 2022 का ये पूरा डाटा है, और ये जो चार्ट है द लेजिस्लेटिव इंडेक्स चार्ट 2023 का इसको रखा गया है। अदर इसके अंदर अगर हम बात करें कि अचीवर्स कौन कौन सी स्टेट हैं गुजरात को छोड़कर, तो यहाँ पर हम पाएंगे कि किस प्रकार से अचीवर्स की कैटेगरी के अंदर आई है जो यूटी है, जैसे कि दिल्ली की यूटी, यूनियन टेरिटरी, असम जैसी स्टेट, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। बात की जाए फास्ट मूविंग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर हम पाएंगे केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पांडुचेरी जो है वो भी यहाँ पर फास्ट मूवर्स की रिपोर्ट के अंदर अपना भाग बनाती हैं, अपनी पोजिशन बनाती हैं। एस्पायर की कैटेगरी के अंदर कुछ और स्टेट्स को देखा गया है, जैसे कि गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स और यूटीज़ का एक समायोजन था जो एस्पायरर है, जो कि सबसे थर्ड जो हमारी कैटेगरी मानी गई है इस लॉजिस्लेटिव के हिसाब से, उसके अंदर ये आती हैं कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के ये इंडिकेटर हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि लॉजिस्लेटिक सर्विसेज जो है उसके एफिशिएंसी क्या होगी, उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया गया है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की जब बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का यहां पर लिया गया है इंडिकेटर को जिसके हिसाब से इसको बनाया गया है। हमारे जो मिनिस्ट्री आईटी मिनिस्टर के मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो है यहां पर पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल ने यह भी बोला है कि जो लॉजिस्लेटिक सेक्टर है यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है इंडिया की तरफ से, वो एक बहुत बड़ी भूमि का निभाने वाला है 2047 के अंदर। आज हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियन डॉलर, 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और यहाँ पर पीयूष गोयल बोलते हैं कि 2047 तक इस 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम बनाने वाले हैं डॉलर 35 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका जो रहने वाली है वो होने वाली है लॉजिस्लेटिक्स की। ये कहते हैं कि लॉजिस्लेटिक्स की जो खर्चा है वो अभी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 7.8% से लेकर 8.9% का यहाँ पर खर्च देखा गया है, लेकिन इस पर काम किया जा रहा है कि कैसे इसको 5 से 6% की कॉस्ट पर लेके आया जा सके, सो दैट हमारी जो ये जो सेक्टर है ये और ज़्यादा उभर सके। इसमें कुछ सजेशन भी दिए गए हैं, जैसे कि स्किल्ड जो मैन पावर है, जिनको स्किल अच्छे से आती है, उनको यहाँ पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, उन लोगों के ऊपर एनहेंस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जो स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए, डाटा का एनालिटिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसके रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी कुछ जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे AI की यहाँ पर
टेक्नोलॉजी है, ऊपर से जो ब्लैक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसको ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, वैसिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए सो दैट जो सेक्टर में एफिशिएंसी है वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ सके। और यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।